दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे गंगनहर कांवड़ मार्ग के बारे में, जिसे चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग भी कहा जाता है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है कि गंगनहर की दाई पटरी पर भी एक सड़क बनेगी और वहां ट्रैफिक का आवागमन हो सकेगा। अभी तक गंगनहर की बाई पटरी पर सड़क है जो रुड़की से मोदी नगर तक है, तो ये एक वैकल्पिक मार्ग है जो दिल्ली जाने वालों के लिए, उत्तराखंड से दिल्ली जाने वालों के लिए एक बड़ा वैकल्पिक मार्ग है। और कांवड़ यात्रा के दौरान इस पर कांवड़िए चलते हैं, शिव भक्तों को बड़ी मदद मिलती है। एक शॉर्टकट का रास्ता भी है जिस पर उत्तराखंड से कांवड़ लेकर आने वाले हरियाणा के लोग, दिल्ली के लोग, वेस्टर्न यूपी के लोग निकलते हैं। ये अभी तक सिर्फ बाई पटरी पर इसके सड़क है और बाई पटरी पर काफ़ी ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक है, क्योंकि ये जो मेरठ से होते हुए उत्तराखंड तक जो नेशनल हाईवे 58 है, इसके ऊपर बहुत प्रेशर है, सारा ट्रैफिक इसी से लिंक होता है। कुछ ट्रैफिक मेरठ पौड़ी हाईवे से भी निकल जाता है, लेकिन ये जब बन जाएगा तो बड़ा फ़ायदा होगा। और इस हाईवे पर इन फ्यूचर ये भी प्लान है, एक बार पूर्व जो पहली जो सरकार थी प्रदेश की, समाजवादी पार्टी की सरकार, उसके मंत्री थे पीडब्ल्यू मंत्री शिवपाल यादव जी, उन्होंने ये भी कहा था कि इस पर इन फ्यूचर मेट्रो ट्रेन भी चलाने का प्लान किया जा सकता है। तो वो भविष्य की बातें हैं, लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट पास हुआ है कि इस पर दाई पटरी पर भी सड़क बनेगी। तो हम बात करते हैं राजेश शर्मा जी से, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं इन दिनों, और उनका गाँव पड़ता है इसी गंगनहर के किनारे। राजेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुरादनगर से लेकर के रुड़की तक, या यूँ कहें कि उत्तराखंड के बॉर्डर तक, कितने गांव पड़ते होंगे इस कांवड़ मार्ग पर? ये डॉक्टर साहब, रुड़की से लेकर अगर हम मुरादनगर तक बात करें तो नहर की दोनों पटरी पर लगभग 140 गाँव के आसपास होंगे। कुछ ऐसे गाँव हैं जो एकदम पटरी से मिले हुए हैं, कुछ ऐसे गाँव हैं जो एक दो किलोमीटर पीछे हैं। पर ये जो कांवड़ मार्ग है, इससे इतनी एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ लोगों का इतना आवागमन बढ़ा है, लोगों को रोज़गार के बहुत सारे अवसर मिले हैं। जो कांवड़ मार्ग पूर्व सरकार ने कांवड़ मार्ग तैयार किया था, इस कांवड़ मार्ग के बनने से तो ट्रैफिक उस पर बढ़ गया है। ट्रैफिक बढ़ने का मतलब है इधर ट्रैफिक बढ़ा है तो जो नेशनल हाईवे है उस पर थोड़ा कम हुआ है। और यहाँ भी अगर ये दाई पटरी पर सड़क बन जाएगी इसकी, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इन गाँवों पर? ये गाँव डेवलप हो जाएंगे, इन गांवों का डेवलपमेंट होगा। आज हम देखें आज के दौर में तो ये सब गांव इंटीरियर के गांव हैं। आप देखिए, नहर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि ये एकदम गंगा जी है, हर की पैड़ी से नहर आ रही है और दोनों ओर पेड़ पौधे, इतना शुद्ध वातावरण वहां पे है। पर ये जो कि विकास से ये सब अछूता है, और हमें लगता है कि जब नहर के दोनों ओर ऐसी सड़क बन जाएगी तो यहाँ इन तमाम गाँव का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। आप देखिए कि मैं एक ये जो कांवड़ मार्ग पहले बना है, इस कांवड़ मार्ग के आसपास रुड़की से लेके और मुरादनगर तक लगभग 200 रेस्टोरेंट बने हुए हैं, 200 होटल बने हुए हैं, बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिला है। और ऐसे अगर वो पटरी बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो हमें लगता है कि यहाँ के लोगों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थे राजेश शर्मा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इनका गाँव गंगनहर पटरी के किनारे पड़ता है। वो बता रहे हैं कि दाई पटरी पर अगर सड़क बनती है तो बड़े पैमाने डेवलपमेंट की बयार जाएगी और वो गांव कनेक्ट हो जाएंगे। वो अभी इंटीरियर के गांव हैं, उनके लिए आवागमन आसान हो जाएगा, उनके बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेजेज में फ्रिक्वेंटली आ जा सकेंगे। इस हाईवे पर नए पेट्रोल पंप लगेंगे, नए रेस्टोरेंट खुलेंगे, नए रिसोर्ट्स खुलेंगे, तो ये एक तरक्की की बयार इस इंटीरियर वाली बेल्ट में इससे बह सकती है, ये लेकर के आ सकता है, ये वाली सड़क ये तरक्की लेकर के आ सकती है। यहाँ हम आपको फिर अपडेट देंगे, अभी इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा सिंचाई विभाग। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, कितने लेन का होगा, कितने पेड़ों का कटान होगा, कहां से कहां तक कैसे जाएगा, कब काम शुरू होगा, ये सारे अपडेट्स हम आपको लगातार आने वाले वीडियोस में देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस कांवड़ मार्ग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के मांग सकते हैं। और अगर आप कोई वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो आप अपना एक मिनट दो मिनट का वीडियो डाल सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी ईमेल आईडी यहां पर दूंगा, तो आप मेल कर सकते हैं मुझे, उन वीडियोस को मर्ज करके मैं एक नया वीडियो तैयार कर सकता हूं और आपकी जो इन्फॉर्मेशन्स हैं उनको इसमें शामिल कर सकता हूं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।